नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ अलग एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने मोबाइल पर जो टेम्पर ग्लास हम कैसे लगाते हैं और इसे लगाने का क्या तरीका है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, वो आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। दोस्तों हमारे पास में है वीवो का Z1X मोबाइल और इसी का ही है ये वीवो Z1X का ये टेम्पर ग्लास। आज इस टेम्पर ग्लास को इस मोबाइल पर लगाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगाया जाता है। इसके लिए आपको एक टेम्पर ग्लास लाना है अपने मोबाइल का, जो आपका मोबाइल है मॉडल उसी का ही और अपना मोबाइल होना चाहिए। उसके अलावा ये एक पीसीबी क्लीनर है, इससे अपने मोबाइल को या स्क्रीन से साफ की जाती है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ये कपड़े से साफ हो सकती है। दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये कॉटन का कपड़ा। इस कॉटन के कपड़े से मैं अपने इस मोबाइल को साफ करूंगा और टेम्पर ग्लास लगाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले इस मोबाइल का बैक कवर खोल लेते हैं, उसके बाद में जो मेरे इस मोबाइल में जो पुराना जो टूटा हुआ जो टेम्पर ग्लास है उसको हम निकालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में है ये वीवो का S1 या Z1X, आप बोल सकते हैं दोनों में एक ही लगता है, तो Z1X है। पुराना ये टेम्पर ग्लास 6D टेम्पर ग्लास है, ये टूट चुका है तो मैं इसे निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद में इस मोबाइल की स्क्रीन को मैं साफ करूँगा। दोस्तों अब हम इस मोबाइल की स्क्रीन को साफ करते हैं। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो तो एकदम अच्छी तरह से ये स्क्रीन साफ हो जाती है, तो मैं इसी कपड़े से इसको साफ करूंगा और थोड़ा सा इस पीसीबी क्लीनर का भी प्रयोग करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखना, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा वो आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस टेम्पर ग्लास को खरीदना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के मोबाइल एसेसरी, बैक कवर या और कोई भी अन्य प्रकार के एसेसरीज आप खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं और साथ में आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, कुछ ऑफर भी रहेंगे, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर चेक करें और कॉन्टैक्ट करें तो वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि इस टेम्पर ग्लास को कैसे लगाया जाता है। दोस्तों पीसीबी क्लीनर से भी इस मोबाइल की स्क्रीन को मैं अब साफ कर रहा हूँ। ये साफ करने के बाद में अब मैं इस टेम्पर ग्लास को यहाँ पर लगाऊंगा और आप ध्यान से देना इसमें सावधानियाँ क्या बरतनी है कि इसको अपने मोबाइल के पहले इसमें स्क्रीन पर लगाकर ऐसे ही नॉर्मली चेक करना है कि ये इसकी साइज कैसी है और कहाँ पर हमें ये एग्जैक्ट लगाना है। तो दोस्तों चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि टेम्पर ग्लास के ऊपर एक स्टिकर रहता है जो कि हमें निकालना पड़ता है। इसे आप निकाल सकते हैं और इसको हम निकाल रहे हैं अभी। निकालने के बाद में आप अपने मोबाइल पर इसे लगाना है। मोबाइल पर एक बार फिर आपको देख लेना है कि कोई कचरा या किसी भी प्रकार का कोई कचरा तो स्क्रीन पर न आया है। अगर आ चुका है तो आप इसे एक बार और हल्के हाथों से इसे कपड़े से साफ कर दीजिए। उसके बाद में आप इसे एडजस्ट लगा सकते हैं। अगर आप स्क्रीन ऑन करके लगाएंगे तो आपको डिस्प्ले की साइज़ एडजस्ट पता चल पाएगी कि हमें इसको किस तरह से सेंटर में लगाना है। दोस्तों इसको ऊपर कैमरे और नीचे से दोनों तरफ से सेंटर में एडजस्ट करके इसको यहाँ से छोड़ देना है और फिर आराम से इसकी जो एयर होती है उसको हमें निकालना है। एक तरफ से निकालना है तो एक तरफ सारी एयर बाहर निकल जाएगी। दोस्तों ये हमने एडजस्ट कर दिया है, अब ये हमारा टेम्पर ग्लास अब लग चुका है तो मैं इस एयर है उसको यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों आप भी इसी प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रोसेस के द्वारा इस टेम्पर ग्लास को आसानी से लगा सकते हैं, आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों आप अगर टेम्पर ग्लास खरीदना चाहते हैं या मोबाइल बैक कवर किसी भी प्रकार का कोई खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्द आपको एक नए प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग के साथ हम आपके लिए उपस्थित होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में हर नई अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।